दोस्तों बोरीवली जो मुंबई का सबर्बन एरिया है वही ठाणे जो एमएमआर रीजन का बड़ा डिस्ट्रिक्ट और सिटी है। दोस्तों ठाणे टू बोरीवली डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए 1 आवर का समय लगता है और वही अगर ट्रैफिक हो तो सोचो ही मत। दोस्तों बोरीवली जाने के लिए पूरा घूम कर जाना पड़ता था पर अभी ये डिस्टेंस बस 15 से 20 मिनट्स में कवर होने वाला है। दोस्तों कई सालों से डिले प्रोजेक्ट जो ठाणे बोरीवली टनल, अब इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड गुड न्यूज़ आ रही है। ये प्रोजेक्ट MMRDA इम्प्लीमेंट करने वाला है जिसके लिए 11,235 करोड़ बजट तय किया गया है। दोस्तों गोरबंदर रोड के ट्रैफिक और प्रेशर कम करने हेतु 11.8 किलोमीटर का इंडिया का लॉन्गेस्ट डेडिकेटेड टनल बनाया जाने वाला है जिसमें से 10.25 किलोमीटर स्ट्रेच ये संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से होने वाला है। ये टनल टिकुजी निवाड़ी इन ठाणे से लेकर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बोरीवली तक होने वाला है। इसमें ट्विन टनल बनाए जाने वाले हैं जो 3+3 लेन्स मतलब 3 लेन ईच डायरेक्शन ऐसा ये टनल होने वाला है। ये प्रोजेक्ट के लिए 16.54 हेक्टर प्राइवेट लैंड और 40.46 हेक्टर संजय गांधी नेशनल पार्क फॉरेस्ट लैंड रिक्वायर्ड होने वाली है। इस टनल में हर 30 मीटर्स के बाद क्रॉस सेक्शन होने वाला है जिससे हम डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे। वही इस टनल में टॉप स्पीड ये 80 किलोमीटर पर हावर की होने वाली है। दोस्तों बोला जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से 10.5 लाख मैट्रिक टन का फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस होने वाला है, वही 36% रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। इस टनल के एनवायरमेंट बैलेंस के लिए टनल में ड्रेनेज सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर और जेट फैंस जैसी फैसिलिटीज उपलब्ध होने वाली है। दोस्तों महाराष्ट्र के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट का लैंड एक्विजिशन काम अभी स्टार्ट हो गया है और जल्द से जल्द लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। वही ये स्टेट का फर्स्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड टनल होने वाला है। वही इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 5 ईयर्स और 6 मंथ का समय लग सकता है ऐसा बोला गया है। दोस्तों काफ़ी समय बाद अभी ये प्रोजेक्ट ने गति पकड़ ली है पर उम्मीद करते हैं ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ना कि दूसरे प्रोजेक्ट के तरह होल्ड पे जाए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वीडियोस पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।